और ये जो पूरा ग्रासलैंड है ये कभी विलेज एरिया होता था और यहाँ होती मौसम थी। हमने कहा रुके हैं तो अपने कुछ मित्रों को भी दिखाया जाए। देखिए दोस्त इधर की साइड खड़े हैं, सामा डियर। ये देखिए कुछ और आगे आके स्पॉटेड डियर भी दिखाई दे गए जो कि बिल्कुल घास में छुपे हुए हैं और हैं कुछ छोटे बच्चे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। दोस्तों हमें इस समय सुंदरखाल विलेज में और यहाँ से निकल के जाएंगे मोहान विलेज तक और रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ और ये सुंदर मौसम तो लीजिए इसका एंजॉय और जो भी वाइल्ड लाइफ दिखाई देगी वो आपको दिखाएंगे और हो सकता है कि रास्ते में टाइगर भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे इस ब्लॉग में बने रहे, ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखिए कोर टाइगर टेरिटरी में कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि हो सकता काफ़ी ख़तरनाक। दोस्तों हमें इस समय बड़े पनौत नाले पे और इस जगह टाइगर की बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है और कुछ इधर की साइड लेबर के लोग पुल का काम करते हुए इन्होंने कई बार शाम के वक्त यहाँ पर टाइगर क्रॉस करते हुए भी देखा है और कई सारी वीडियो में भी हमने टाइगर की मूवमेंट देखी है। ये देखिए कुछ पाइप से ये जो पुल के पिलर में पानी भरा होगा इसे निकालते हुए। तो दोस्तों ये देखिए कैसा गंदा पानी, ये देखिए। तो दोस्तों इस जंगल में फुल एडवेंचरस एक्टिविटी हो जाती है और ये देखिए ये सब जाएगा पानी कोसी रिवर में। दोस्तों ऐसा लग रहा है कोई वीआईपी निकल के जा रहा है, कुछ विधायक एसडीएम और तहसीलदार सबकी गाड़ी इधर दिखाई दे रही है और ये सुहाना मौसम। तो दोस्तों हम रुके सुंदरखाल से कुछ आगे इस ग्रासलैंड की ओर और ये जो पूरा ग्रासलैंड है ये कभी विलेज एरिया होता था और यहाँ होती थी खेती। तो यहाँ जितने विलेज वाले हैं उन्हें रिलोकेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऊपर की साइड सुहाना मौसम, हमने कहा रुके हैं तो अपने कुछ मित्रों को भी दिखाया जाए और घने घने बादल और ये खतरनाक जंगल, ये देखिए चारों तरफ का मौसम और पीछे की साइड सुंदर सुंदर बादल और उस पर घने घने घना ये कोहरा। तो इधर की साइड के मौसम का कुछ अलग ही अनुभव और एन्जॉय आप देख सकते हैं। तो निकल के चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों इधर की साइड खड़े हैं सामा डियर और पीछे की साइड कुछ स्पॉटेड डियर भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक ही फ्रेम में दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए और ये है दोनों फीमेल, ये दोनों घास खाते हुए और ये टाइगर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फूड और इन्हीं पे कर देता है टाइगर हमला। ये देखिए निकल के जा रहे हैं अंदर जंगल की ओर। ये देखिए कुछ और आगे आके स्पॉटेड डियर भी दिखाई दे गए जो कि बिल्कुल घास में छुपे हुए हैं और हैं कुछ छोटे बच्चे। जो अंदर से हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये एरिया हाथी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पे लिखा है वाहनों को मोड़ पर सावधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि कई बार क्या होता है आपने टर्न लिया और सामने खड़ा है एलिफेंट। तो दोस्तों वो गुस्से में आपके
कार पे भी अटैक कर सकता है और आपको क्षति पहुंचा सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि ये एरिया काफ़ी डेंजरस है। और आगे की साइड खड़ा है सांबा डियर, देखते हैं कुछ आगे चल के। और जैसा कि बारिश के मौसम में वाइल्ड लाइफ बाहर की ओर निकलना पसंद करती है, ये खड़े हैं सांबा। दोस्तों निकल के चलते हैं धीरे धीरे इस जंगल की वादियों का एंजॉय लेते हुए आगे की ओर, और रास्ते में जो जो देखने को मिलेगा वो आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस समय मौसम काफ़ी सुहाना है और सामने की साइड दो सांबा डियर और दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं। ये देखिए एक इधर खड़ा है और एक अंदर की ओर भाग गया। और जंगल में हमेशा वाइल्ड लाइफ से अपना डिस्टेंस बना के रखें। और ये छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, दोस्तों जंगल में हमेशा कुछ बातों का रखें ध्यान। कभी भी आपको वाइल्ड लाइफ एरिया में वैसे भी हॉर्न मारना अलाउड नहीं है, पर कुछ लोग फिर भी नहीं मानते और तेज ध्वनि का हॉर्न जबरदस्ती बजाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तो वाइल्ड लाइफ जस्ट रोड किनारे ही है। चलते हैं निकल के आगे की ओर, और सामने आ गया धनगढ़ी गेट जो कि फिलहाल बंद चल रहा है। आप जाना चाहें तो म्यूज़ियम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।